तो मोदी को दिया जाए वोट, देंगे उसी को देंगे मोदी को। यहाँ पूरा प्रयागराज में दुल्हन तरह सज गया था। नाम तो बहुत अच्छा है। हाँ तो माई बाप रखे हैं दुल्हन में। किसको मन में रखा है? वैसे तो मोदी जी के औरत जात के बहुत ऊंचा कर दिए हैं। और तो हमारा ऐसा मन होता है जो हमका हमारे लड़की की शादी कराए, 5 लड़की है। हाँ। तो उसको हम दे देंगे वोट। तो मोदी जी से कहो ना, मोदी जी कंप्लीट आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। नहीं अभी 200 रुपया की कांग्रेस के राज में 200 रुपया किलो दाल बिकी है, उसको तो बोलने ही नहीं आता, प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं। क्या नाम है? रेनू। क्या करते हो आप? यही व्यवसायिक काम करते। एक बात बताओ, कहाँ के रहने वाले हो आप? यहीं के, इलाहाबाद से ही हो। तो एक बात बताओ, गंगा साफ हुई है? हाँ, आप ही बता सकते हो क्योंकि किनारे है। गंगा साफ हुई है? गंगा साफ हुई है। हाँ, मानते हैं आप? मानते। तो एक बात बताओ, आपके बार वोट किसको करोगे? अब देखा जाएगा किसको। ऐसे क्या बताएं, अब जाएंगे जिस पे पड़ेगा हाथ उसको दे देंगे। अच्छा। हाँ। मन नहीं बनाया है? अभी मन नहीं बना। क्या नाम है आपका? साधना नाम मेरा। तो अब की बार क्या मन बना करके वोट करेंगे? मन बना के जब पूरी मेले की व्यवस्था हुई है, पूरा सफाई हुई है गंगे के, तो मोदी को दिया जाए वोट। अच्छा, मोदी को दिया जाएगा? हाँ, मोदी को दिया जाएगा। कोई प्रधानमंत्री नहीं जो, किया। हाँ, हाँ, मोदी ने जो किया है कोई प्रधानमंत्री वो चीज नहीं किया है। तो आपने वोट तो बताया नहीं। देंगे उसी को देंगे, मोदी को। अच्छा, उसी को देंगे। और एक बात बताओ, गठबंधन है कुछ टक्कर दे रहा है यहाँ पर? किस चीज का टक्कर? नहीं है टक्कर। नहीं तो हम लोग मोदी की देंगे वोट। अच्छा, मोदी को देंगे? हाँ, मोदी की देंगे। कुछ यहाँ पर काम हुआ है आपके यहाँ पर? बहुत काम हुआ है। यहाँ पूरा प्रयागराज में दुल्हन तरह सज गया था। आप देखे नहीं थे क्या मेले में? पूरी लाइट, पूरी व्यवस्था, पूरी सब चीज था। कुछ फायदा हुआ था उस मेले से आपको? हम मेले में हाँ फायदा हुआ था। कुछ दुकानदारी हुई? हुई थी। अच्छा। हमको लोग दुकान नहीं लगाने मिलता था, लेकिन हम लोग लगाए हुए थे तभी दुकान। कुछ पैसे कमाए? नहीं कमाए। कमाए क्यों नहीं, कहा जो गंगा मैं दिए वो कमाए हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा कमा लिया आपकी बात। हाँ, कमाए जो गंगा माई चाहे वो कमाएगा, न ज्यादा भी है न कम भी है। अच्छा कमा लिया है तो इसीलिए खुश नजर आ रही है। लिमिट के हिसाब से कमाए हैं। गरीबों को सताया ना जाए, गरीबों को दूर बैठाया जाए, हटाया ना जाए, इसलिए बोल। अच्छा, इसलिए बोल। आपका क्या नाम है? गुरकी। गुरकी जी कहाँ की रहने वाली हो आप? यहीं के। नाम तो बहुत अच्छा है। हाँ तो माए बाप रखे हैं दुलार में। अच्छा, तो आपके पति जी हैं वो क्या नाम लेकर पुकारते हैं? यही गुरकी जी। अच्छा, एक बात बताओ, बच्चे क्या कहते हैं? पढ़ने जाते हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ, यहाँ पर साफ सफाई हुई है कुछ? हाँ, साफ सफाई बहुत अच्छी हुई है। दुकानदारी सही चल रही है? चल रही थी, लेकिन पुलिस लोग लगाने नहीं देते, पीछे लगाए थे। अच्छा, तो कुछ फायदा हुआ था? फायदा का मिल गया था कुछ खर्चा वर्चा ऐसे ही। कुछ पैसे कमा लिए? नहीं। हाँ कमा लिए। जमाया है बैंक में? जमा किया है? बैंक में नहीं जमा, गरीब मना रोज कुआं खोद रोज पानी पिए। अच्छा, तो किसको वोट कर रहे हो अब की बार? अरे प्रधान जी, जिसको मन में रख लेंगे वही देंगे। किसको मन में रखा है? वैसे तो मोदी जी के। अच्छा। बहुत सुरक्षित, मतलब सुरक्षा दिए हैं। महिला सुरक्षित है मोदी जी के साथ? हाँ, हाँ बहुत है। कोई आँख ही नहीं दिखा सकता। आँख नहीं दिखा सकता है? कोई नहीं। अगर दिखा देगा तो क्या होगा? तो हमारे लोग बहुत आँख फोड़ दी जाएगी। हाँ। है? हाँ। मतलब इतना, मतलब आपने आप में विश्वास जगा है। शक्ति बहुत आ गई, हम लोग किसी से नहीं डरते हैं। सिर्फ औरत जात के बहुत ऊंचा कर दिए हैं, इसीलिए लोग किसी के नहीं डरते हैं। महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है? हाँ, बहुत बढ़ा दिए, इसलिए आप मोदी जी को चाहते हैं। हाँ। नाम बहुत अच्छा है, मैं फिर दोबारा से नाम लूंगा। एक बात बताओ, दुकानदारी कैसी चल रही है? हम लोग मेला के, हमका लोग के तो कमाए नहीं दिए, हम लोग भाग गए, अपने अपने घर बैठे रहे। हाँ। मेला बाद तो उतरे हैं, तो मेला बाद हम कहा मिलेगा, बाहरी कमाए। अभी कुछ कमाई हो रही है? नहीं हो रही है। अभी 100-200 मिल जाए, बच्चे की जिला रहे हैं, लड़कियां नहीं, कहां से पाए शादी वादी करे। पीछे कागज की नाप बनाई हुई है, बिक रही है नहीं बिक रही है? ये नाप देखो, पड़ा तो है सुबह से, दो बीचा है, क्या करे। अच्छा, किसको वोट कर रहे हो अबकी बार? वोट तो हमारा ऐसा मन होता है जो हमका हमारे लड़की की शादी कराए, 5 लड़की है। हाँ। तो उसको हम दे देंगे वोट। अच्छा। हाँ। लड़कियों की शादी कराए उसको वोट दे देंगे? हाँ, उसको देंगे। अच्छा, तो कौन कराएगा शादी? मोदी करावे, दे पैसा हम शादी कराई, हमारे लड़की 20 साल के 18 साल के है। हाँ। हम कहाँ पाए कर, हमारा आदमी लंगड़ा लूल है, हम तो यहाँ 12 साल से दुकान लगा रहे हैं, तो हम कहाँ कर पाए। अच्छा, कैसे हम जिलाए खियाए उनको पढ़ाए। हाँ, मतलब गरीबी की मार है और 5-4 लड़की हैं। हाँ। तो अब की बार किन मुद्दों पर वोट कर रही हैं?
दे देंगे मोदी जी के, मोदी जी हमारा लोग के यहाँ दुकान नहीं लगा देते हैं, यहाँ से भगाते हैं कि पेपर में दे देते हैं, यहाँ दुकान नहीं लगेगा तो हम लोग कहाँ कमाई करेंगे, कि यहाँ खेती हमारा लोग के है दादा बाबा के, तो हम लोग क्या खाएंगे जब यहाँ दुकान हटाए देंगे। नाराज भी हैं, वोट भी मोदी को कर रहे हैं, तो मोदी जी से कहो ना, हम तो कह रहे हैं कि हमारा लोग के यहाँ दुकान ना बंद करा, हम लोग यहाँ हमारा लोग के दादा धंधा पानी चल रहा हमारा, हाँ चलता रहना चाहिए, यहाँ से भगावा लागत है, हम लोग कहाँ लेके जाए, क्या खिलाएं बच्चे, मतलब परेशान है इस बात से। हाँ यही बात से हम लोग बहुत परेशान है। क्या नाम है ताई आपका? अरे भैया का कही हुआ, प्रेम करी नाम है। तो एक बात बताओ, गंगा साफ हो गई? हाँ गंगा साफ हो। वोट किसको कर रहे हो? हाँ वोट किसको कर रहे हो? वोट मोदी जी की मनाई करे, मोदी जी कुछ दे तब ना। हैं? मोदी जी को ही कर रहे हैं तब? नहीं क्यों, कुछ काम किया है गरीबों के लिए? काम कर रहे हैं, कुछ सफाई हुई और तो कौन काम कर रहे हैं, हम खिलाओ। अच्छा क्या नाम है आपका? हरीश चंद। कहाँ के रहने वाले हो? छतनार। छतनार कहाँ पड़ता है? सामने पड़ता झूंसी। इलाहाबाद से हो? हाँ प्रयागराज से। प्रयागराज से हो, इलाहाबाद से नहीं हो? मोदी जी ने योगी जी ने नाम बदल दिया है तो इसलिए। तो क्या करते हो आप यहाँ पर? नाव चलाते हैं। नाव चलाते हैं? निषाद हैं? हाँ निषाद। तो निषाद राम के कहीं भक्त रहे हैं? हाँ। तो क्या लग रहा है आपकी बार किसके भक्त हो? अब भगवान ही भक्त सब है, और कौन भक्त रहेगा। तो आपकी बार किधर वोट कर रहे हो? अब वोट कितने वो उसका कोई नहीं बता सके कहाँ किधर जाएगा। किसकी सरकार बनाना चाहते हो? अब सरकार जो बनी थी वही बने, और क्या वही बनी थी वही बने। हाँ ऐसा क्यों, क्या मुद्दे हैं आपके? अब मुद्दे क्या, वो तो बनेगा तो बताएगा सब। क्या लग रहा है आपकी बार जो गरीबों के लिए काम किया है वो खरे उतरे हैं मोदी जी? हाँ सही काम किए हैं। एक बार राहुल गांधी को मौका दे दिया जाए तो? अब तो मौका वो अब बताएगा वक्त, अब हम लोग क्या, हम बता जो किधर को जो देगा वोट, हम अकेले से कुछ थोड़ी होगा। आपका वोट है, आपका अधिकार है, आप किसको चाहते हैं? हम तो सोचते वही बने सरकार जो बना था एक बार। अच्छा वही एक बार और आए। हाँ क्या नाम है आपका? अशोक सैनी। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान भवानी मंडी से। राजस्थान में इलेक्शन होने वाला है, तो आप 29 वाले चरण में हैं या 6 मई वाले में? 6 मई वाले में। कौन सी जगह पड़ती है ये? भवानी मंडी राजस्थान। कौन सी? भवानी मंडी। हाँ, जिला झालावाड़। झालावाड़। हाँ तो एक बात बताइए, क्या मुद्दे हैं अब की बार वहाँ पर वोट करने? हमारे यहाँ तो मोदी जिंदाबाद है, मोदी आएगा पूरी राज्य। अशोक गहलोत है, उन्होंने कुछ काम किया नहीं किया, उन्होंने वादे किए थे कि हम 10 दिनों के अंदर आपको मतलब आपका पूरा कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो इस वजह से पूरी जनता नाराज है उनसे। इस बार राजस्थान में मोदी जी आएंगे। युवाओं को भत्ता भी देने की बात कर रहे थे, बेरोजगार भत्ता देने की, तो क्या लग रहा है कुछ हुआ है काम? अभी तक तो कुछ नहीं आया, ऐसी कोई सुरक्षा, ऐसी कोई मतलब अपने योजना नहीं दी है मोदी जी ने, लेकिन ना कोई फायदा। लेकिन मोदी जी से हमको ये है कि मोदी जी ने इस देश को नंबर वन पे ला के रख दिया है। अशोक गहलोत कहते थे कि बेरोजगारी भत्ता देंगे सरकार बनने के बाद, तो क्या लग रहा है कि उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया है? नहीं दिया है। नहीं दिया अभी तक कुछ भी नहीं, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। हालांकि अशोक गहलोत जी भी अच्छे नेता है, लेकिन अभी तक मतलब उनको सेटल होने में सिर्फ लालच ही दिया उन्होंने। लेकिन जैसे उन्होंने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन वो योजना कुछ नहीं थी, इस वजह से पूरी जनता उनसे नाराज है। अगर किसानों का ऋण माफ हो जाता है तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस को वोट किया जाता है? किसानों का अगर ऋण माफ होता तो बिल्कुल अशोक गहलोत को वोट देते ही देते हैं अपन। तो अब की बार जैसे लोकसभा का चुनाव है, तो प्रधानमंत्री चेहरा नरेंद्र मोदी हैं, एक साथ राहुल गांधी हैं, तो क्या लग रहा है अब की बार? नहीं मोदी जी कंप्लीट है, मोदी जी आएंगे। मुद्दे क्या है अब की बार? मुद्दे तो यही है, मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया और अपने देश को एकजुट बना के उन्होंने काम किया, उनसे लगता है कि नहीं मोदी जी अब किस बार पूरे देश में मोदी जी आएंगे। मोदी जी कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आंख दिखाता रहता था और हमने कौन सा आइटम बम दिवाली के लिए रखा हुआ है। महबूबा मुफ्ती कह देती हैं कि पाकिस्तान ने कौन सा ईद के लिए सजा के रखा है, तो क्या कहेंगे महबूबा मुफ्ती के लिए? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे तो या तो वहाँ कुछ होगा तो जनता का नुकसान है, यहाँ होगा तो कुछ जनता का नुकसान है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। काम ऐसा होना चाहिए जो मतलब देश को एक उन्नति, एक अच्छा राज्य, अपना देश विकसित हो जाए, पूरे देश में अपने देश का नाम हो जाए हर जगह, आज नंबर वन पे अपना देश। अच्छा चुनाव इंडिया में होता है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। इमरान खान कहते हैं कि मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बन जाएं तो हो सकता है हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात सुलझ जाएगी, तो क्या लग रहा है कि उन्होंने मुस्लिम वोटों को डाइवर्ट करने के लिए मोदी जी को बोला है प्रधानमंत्री बनने के लिए, या फिर वो चाहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात बन जाए? नहीं देखो वो चाहते तो हिंदुस्तान की, आज कोई भी नेता नहीं चाहता कि युद्ध हो। क्या
आज कोई भी नेता नहीं चाहता युद्ध हो। अगर इमरान खान ने इस तरह का नेताओं के बीच की बात है उनको अपने तक नहीं पहुंचती है, लेकिन हो सके इन नेताओं के बीच में कुछ हुआ हो तो हो सकता है मुस्लिम वोट मोदी जी को मिले, उससे कुछ एक समझौता हो सके इंडिया पाकिस्तान में। तो क्या लग रहा है कि अब की बार जनता क्या जवाब दे रही है? जवाब तो मोदी जी को ही मिलेगा, पूरा वोट मोदी जी को। क्या नाम है आपका? गणेशी लाल। कहाँ से आए गणेश जी? इलाहाबाद। इलाहाबाद से। तो इलाहाबाद की जनता क्या सोच के बैठी है? मोदी क्या मुद्दे हैं मोदी जी के वोट करने के? मोदी का मुद्दा कुछ भी हो लेकिन देश नंबर वन पे है, हर चीज स्थिर है। कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। कोई नहीं महंगाई, नोटबंदी से लोग परेशान हैं। कुछ नहीं, अभी 200 रुपया की कांग्रेस के राज में 200 रुपया किलो दाल बिकी है, लोग दाल खाना भूल गए थे। राहुल गांधी हैं प्रधानमंत्री उम्मीदवार, क्या लगता है? उसको तो बोलने ही नहीं आता, प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं। तो प्रियंका गांधी जी आई थी संगम के रास्ते, यहाँ पर जलाचमन करके गई थी, क्या लगता है गंगा साफ हुई है? अब इसको तो ऐसे करके जाएंगी, पूजा नहीं करेंगी तो कौन ही लेगा। तो क्या लग रहा है, कुछ फैक्टर चल रहा है प्रियंका गांधी का? नहीं कुछ नहीं है, वो भी बेकार है, 70 साल से सब बेकार है देश, 70 साल से। गठबंधन है बहन जी का और अखिलेश जी का, कौन? चोरे भाई मुसहरे भाई, दोनों तो वही है, एक हाथी बनवाता है एक यादव को भर्ती करता है, और क्या करेंगे। अच्छा तो क्या लग रहा है टक्कर दे रहे हैं कौन? कुछ कोई टक्कर नहीं है उनका। अच्छा नहीं है कोई टक्कर? नहीं।